सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई धूप इतनी प्यारी निकल रखी है ना यहाँ पे, पर अभी मैं जा रहा हूँ ना वहाँ आपको ना धूप नहीं मिलने वाली बिल्कुल भी। अभी देख रहा हूँ रेडी हो गया, शूज वगैरह भी पहन लिए मैंने, अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। कहाँ जा रहा हूँ वो मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। बाकी यहाँ तो भाई धूप निकल रखी है ना, सूरज एकदम। और अभी यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाऊंगा ना, इतनी धुंध है ना। कल तो भाई यहाँ पे भी काफी धुंध थी, शाम को थी, पर अभी दिन में तो ठीक है, पर शाम को यहाँ पे भी ना काफी धुंध हो जा रही है। शाम को देखूंगा, अगर हुई तो दिखा दूंगा। बाकी फिलहाल तो अभी यहाँ से निकलता हूँ और आपको आगे चल के ना धुंध दिखाता हूँ। मेरा थोड़ा मन भी कर रहा है धुंध में थोड़ा बाइक चलाने का, ठंड लगेगी पर देख लेंगे। बुलेट को भी निकालते हैं। बुलेट भाई मैंने जब से आ रखो ना वॉश एक बार भी नहीं किया हुआ है। कल देखता हूँ अगर गया मार्केट वाली साइड तो धुलवा लूंगा, वरना मैं कल खुद से साफ करूंगा या वॉश वगैरह करना होगा, खुद से करूंगा। अभी मैंने कुछ खाया भी नहीं है, मार्केट वाली साइड ही जाना है तो कुछ खा लेंगे वहीं पे। ये थी टाटा स्काई जो मैंने लगवाई थी, ये वाली टाटा स्काई मैंने यहाँ पे लगवा ली थी। ये ना भाई इतने टाइम से बंद पड़ी थी, गाजियाबाद से लेके आए थे ना, तो फिर इसको मैंने ना यहाँ पे लगवा लिया था। ये भी ऑन हो गया हुआ है और ये टाटा स्काई भी चल रही है। चलो एक काम करते हैं, निकलते हैं, बुलेट को निकालते हैं और मिलते हैं आपसे सीधा बुलेट पे। सो गाइस एक बैटरी तो मैंने डाल लिया है, बाकी भाई बैटरी मेरी गोप्रो की चार्ज नहीं है, तो ना मैंने पावर बैंक के साथ ना भाई जेब में डाली हुई है, तो वो चार्ज हो रही है। जब ये वाली खत्म होगी ना तो फिर उसको लगा लेंगे। भाई चार्ज ही नहीं, मेरे को ध्यान नहीं रहा चार्ज करने का बैटरी। सो फाइनली गाइस घर से मैं निकल के आ गया, और मैंने घर पे आपको दिखाई थी ना कि धूप कितनी प्यारी निकल रखी है। अभी मैं ना घर से थोड़ी दूर ही आया हूँ, यहाँ पे देखो फिर धूप निकल आई ना। सामने आपको ना हल्का हल्का फोग दिखाई दे रहा होगा, पर अभी ना थोड़ी और आगे चलूंगा ना, फिर दिखाता हूँ आपको मैं। और भाई ट्रैफिक देख रहे हो, इस रोड पे लाइन लगी हुई है अभी कारों के आगे तक, देख रहे हो। बैटरी भी चेंज कर लिया है, दूसरी बाइक खत्म हो गई थी। बाकी दोनों मैंने ना चार्ज पे लगा दिए हैं, तो सही है। पावर बैंक साथ लेके आया ना तो दिक्कत नहीं हो रही है। और अभी ना भाई ग्लव्स ना पहन रखे हैं तो ठंड लग रही है, इसलिए ना मैंने बाइक ना न्यूट्रल कर रखी है, स्टार्ट है पर, और ऐसे जाने जा रहा हूँ स्लो स्लो। तो अभी ना यहाँ से ना न्यू बाईपास बन रखा है, तो यहाँ से चलूंगा क्योंकि मेरे को ना पंजाल वाली साइड जाना है ना। ये देख रहे हो, ये बन चुका है नया बाईपास, आम के लिए बन रखे ना मुबारकपुर से पीछे। ऐसे भाई ये बन गया हुआ है, अगर दौलतपुर वाली साइड जाना है, उससे आगे जाना है ना, मुबारकपुर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुबारकपुर में ना कई बार भीड़ लग जाती है ना, ट्रैफिक होता है जब, तो फिर वहाँ खज्जल आना पड़ता है। तो यहाँ से भाई बाईपास बन गया हुआ है। अब जब भी इस साइड आना होगा ना दौलतपुर वाली साइड, तो बस इसी बाईपास से आया करूँगा। मुबारकपुर तो बहुत ही कम जाना होता है, जब कुछ काम हो या सामान वगैरह लेना हो, वरना तो भाई दोनों साइड के लिए, आम वाली साइड के लिए बाईपास बन चुका है और यहाँ के लिए भी ये वाला बाईपास बन चुका है। और देखो कितना सही बन रखा है। न्यूट्रल में ना एक चीज़ का मजा आता है, ना तो गेयर अप डाउन करने पड़ते हैं, ना तो रेस देनी पड़ती है। कितना बढ़िया व्यू है, क्या सही लग रहा है यहाँ पे। यहाँ से भाई जब वापस आऊंगा ना तो यहाँ पे ना लीन करने का मजा आएगा। उतरते टाइम तो भाई ज्यादा बाइक ना भगाई नहीं जाती है ना, और लीन भी नहीं की जाती क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल होने का डर होता है, पर वापस आते टाइम तो भाई पूरी कंट्रोल में रहती है, भगाते हुए चलो जैसे मर्जी चलो। क्या बढ़िया रोड बन रखा है, कसम से मजा आ रहा है। भाई धुंध मिल ही नहीं रही है, नीचे देखते नीचे है कि हट गई है, कुछ पता नहीं। बीच में लग तो रही थी कि भाई धुंध है, पर अभी जाओ के पता चलेगा। सामने तो भाई देख रहे हो मौसम पूरा पैक हो रखा है, लग तो रहा है कि धुंध वगैरह है। हमारे वाली साइड तो भाई धूप निकल रखी थी ना, पर शाम को वहाँ पे भी ना कल तो पड़ गई थी। अब आज देखेंगे धुंध पड़ती है कि नहीं पड़ती है, पर लगता बहुत प्यारा है भाई। धुंध होती नहीं जब पड़ी हुई। तो ये देख रहे हो ये बाईपास ना यहाँ पे आगे निकलता है। अब इसमें ना मुबारकपुर मार्केट नहीं आता बीच में। अब हमें जाना है इस साइड, भाई धुंध ही नहीं है। पंकु कह रहा है धुंध है तो है ही नहीं, कहाँ लगा रखी उसने कार। ओ जो है खड़ा हो, बुलेट खड़ा कर तू यहीं पे या बुलेट पे ले चलूं। रहने दे तुम कार में चलो, मैं बुलेट पे चलता हूँ। नहीं नहीं मैं बुलेट लेके चल रहा हूँ, कार में आओ। चलो चल आजा, मैं चल रहा हूँ ना। भाई मेरा बाइक चलाने का मन कर रहा है आज। ये लोग आते रहेंगे कार में, मैं चलता हूँ बाइक पे। गोप्रो में तो नहीं पता चल रहा होगा, पर साइड साइड में ना धुंध है, हल्की हल्की है, इतनी नहीं है अभी ना भाई। हाथ तो भाई देखो लाल भी हो गया ठंड से, इसलिए ना मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी ठंड है। यहाँ पे तो ना मेरे को सूरज कहीं दिख ही नहीं रहा है, कहीं पे भी नहीं भाई सूरज, ना पीछे दिख रहा है, ना ऊपर दिख रहा है, ना सामने दिख रहा है। थोड़ी भगाए दोनों बैटरी ना मेरी चार्ज पे लगी हुई है पावर बैंक के साथ। अब ये वाली बैटरी ना थोड़ा साथ दे दे। वैसे मेरे पास चार बैटरी थी, एक तो मैंने गोप्रो में लगा रखी, दो चार्ज पे है। एक ना भाई एक बार पुराने वाले गोप्रो में फंस गई थी, मैंने वीडियो में शायद बताया भी है। तो ना उसका ना जिससे पकड़ के खींचते हैं ना बाहर निकालने के लिए, वो निकल गया हुआ है, तो वो जोड़ना पड़ेगा। तब तक ना मैं वो बैटरी यूज नहीं कर पाऊंगा। ये मजा भाई पहाड़ों में। 1 hour later। भाई ठंड तो ना हाथ तो सुन कर रही है, उतनी नहीं लग रही है पर हल्की हल्की लग रही है। बस मेरे ना एक तो हाथ फट गए हो ना, तो उसकी वजह से ना थोड़ा ज्यादा फील हो रहा है। और अभी ना है बता रहे हैं कि धुंध ना भी थी पहले यहाँ पे, थोड़ी देर हुई है हटे हुए को, वरना धुंध काफी थी। मैं थोड़ा सा लेट हो गया निकलने में, वरना धुंध मिल जाती। हल्की हल्की ठंड भी लग रही है ना, पर मजा जो आ रहा है ना भाई इस टाइम बुलेट को चलाने का, भगाने का मजा भी आ रहा है। स्लो में भी भाई अलग ही फील आ रहा है बुलेट का। एक तो ना भाई एक साइड को खींचता है ना, देना अभी मैंने हाथ छोड़ रखा है ना, हल्का सा ना मैं लेफ्ट साइड के लिए झुका हुआ हूँ, वरना ना ये राइट साइड को खींच रहा है पूरा बुलेट। तो फाइनली गाइस वापस आ गए हैं मेन रोड पे, तो अभी चलते हैं मुबारकपुर, कुलचे खाते चल के पहले ना, फिर देखते हैं बाकी क्या प्लान्स रहते हैं। सो गाइस फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ कुलचे वाले के पास ना, तो कुलचे खाते भी हैं और मेरे को कुछ ना पैक भी करवाने हैं, तो वो भी करवा लेता हूँ। बाइक तो मैंने फिलहाल ना साइड में पार्क कर दी है, तो कुलचे वगैरह लेके खा के फिर मिलता हूँ। सो गाइस फिलहाल ना मैं मार्केट वाली साइड आ गया था, कुलचे वाले के पास थोड़ी भीड़ थी, तो मैंने उनको कह दिया था कि भाई इतने हमारे ना पैक कर देना, तब तक मैंने काम निपटा लेता हूँ। काम निपटा लिया, अब चलते हैं वापस वहीं पे। इस साइड लगा वो कुछ ब्लूटूथ लगा तभी होगा, मैं बोल रहा क्यों नहीं होगा। वो यार वैसे कर लो तुम, ऊपर कर ले नीचे कर ले, इसने है ही नहीं हो रहा। अब करो हो गया, चल पड़ा मैं भी ऊपर के साथ ही। बंदा गलत है, तूने चलना तो मैं भी चलता हूँ। ऊपर तक आ जा, ऊपर तक आ जा। इधर मार ले ब्रेक। क्या हुआ? तो चलो गाइस अब निकल रहे हैं वापस घर। भाई मजा आ गया, पर ठंड भाई ठंड निकम हो रही है। तो गाइस अभी ना मैं रुक गया था बैटरी चेंज करने के लिए। चलो अच्छा एक बैटरी ने मेरी फुल चार्ज हो गई है, और अभी ना मैं वापस घर के लिए जा रहा हूँ। पर रोड में ना भाई क्या ट्रैफिक लगा हुआ है और ठंड भी है। पहले मैंने ना वाइजर ओपन किया था हेलमेट का, पर ओपन वाइजर के साथ तो ना भाई चलाया नहीं जा रहा है बुलेट। भैया और तो निकल गए आगे, मैं भी निकलता हूँ जल्दी जल्दी। सही में भाई गर्मियों में ना वैसे गर्मी लगती है ना, इतना मन नहीं करता बाइक चलाने का। ठंड में ना ठंड भी लग रही है और बाइक ना भगाने का मन भी कर रहा है। स्लो में भी अलग ही मजा आ रहा है, मतलब दोनों साइड ना अच्छा लग रहा है। आज ना भाई पावर बैंक ने ना बहुत साथ दे दिया अपना, सही किया भाई। पावर बैंक भी लेके आ गया और मैं तीनों बैटरी लेके आ गया था आज। और फिलहाल पहुंच चुका हूं मैं बीपीएस। देख रहे हो भाई कितना ट्रैफिक है। भाई ओवरटेक दे दे मेरे भाई, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। चलो गाइस अपना घर पहुंचता हूं और घर पहुंच के फिर मिलता हूं आपसे। बैडमिंटन खेल रहे थे, सांस वगैरह चढ़ गया, थोड़ी देर वो खेला घर आके। अब ना फिलहाल ठंड भी काफी हो रही है और बैटरी तो मैंने GoPro की ना सारी चार्ज पे लगा दी हुई है। यहाँ भी ना मैं मौसम दिखाता हूँ, ये देख रहे हो सूरज सब भाई छुप ही गया यहाँ पे भी। अपने यहाँ पे भी ना धुंध पड़नी हल्की हल्की ना दूर दूर धुंध पड़नी स्टार्ट हो गई है। थोड़ी देर में यहाँ पे भी धुंध पड़ जाएगी, अगर पड़ेगी तो मैं दिखाता हूँ आपको। A few moments later. So guys, ये देख रहे हो अभी ना अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी है ना, तो ये चेक करो भाई फॉग कितना यहाँ पे। ये देख रहे हो सामने लाइट दिख रही है, ये लाइन चेक करो और ये धुंध देखो कैमरे के आगे देना कैसे आएगी यहाँ पे। ये देख रहे हो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये सारे भाई फॉग है। ऐसे भाई इस साइड के लिए ना अभी आईफोन में तो इतना पता नहीं चल रहा है, पर ना ये ऐसे जा रही है स्पीड में इस साइड के लिए। तो चलो फिलहाल अब मैंने भी ना नहाता हूँ, अभी इधर मुँह से देख रहे रूम में चलता हूँ, एडिट करता हूँ, क्योंकि बाहर तो भाई बहुत ठंड लग रही है, क्योंकि फॉग हो रखा है ना भाई, सब हर जगह फॉग ही फॉग है। देख रहे हो ठंड भी लग रही है सब कसम से, आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है। तो एक काम करता हूँ फिलहाल ना रूम में चलता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, ब्लॉग एडिट करते हैं, डिनर करते हैं और सोचते हैं, क्योंकि अब तो भाई बाहर तो निकला नहीं जा रहा है, बहुत ठंड है तो बाहर निकलूंगा नहीं। अब इस ब्लॉग को भी ना यहीं पे एंड करता हूँ। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करना, बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।